तो अभी आप सभी पेरेंट्स ने देखा कि कितनी खूबसूरती से इन बच्चों ने अपना डेमो भी दिया और सही जवाब भी दिया अपने सारे सवालों का। तो अब मैं पेरेंट्स को ही बुलाना चाहूंगी, प्लीज वो स्टेज पर आए और अपना एक्सपीरियंस, अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करें। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, कोई भी आ सकता है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, वेलकम सर। सर सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आज यहाँ पर आए अपने बच्चे के नाम से, तो पहले अपने बच्चे का नाम आप बताएंगे, फिर अपना नाम बताएंगे, ठीक? बिल्कुल सही। तो प्लीज आज आपकी पहचान आपके बच्चे के नाम से है, तो प्लीज आप अपने बच्चे के नाम के साथ ही बताएं और अपना एक्सपीरियंस, आपने कैसा फील किया, तो प्लीज शेयर करें। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरे बेटे का नाम अद्वैत त्रिपाठी है, वो क्लास 3A लिटिल फ्लावर हाउस का स्टूडेंट है और मेरा नाम वैभव त्रिपाठी है। फर्स्ट टाइम जब मेरे बच्चे ने मुझे बताया बैंकर्स एंड बैंकर्स के बारे में, तो मुझे खुद भी नहीं पता था, जबकि मैं अभी फिलहाल एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग हूँ, JSW सीमेंट में, जिंदल स्टील वर्क्स। लेकिन मुझे एकदम भी नहीं पता था कि बैंकर्स एंड बैंकर्स होता क्या है। वो मुझे आगे बताता है, पापा ऐसे ऐसे है, इसको ऐसे ऐसे जोड़ सकते हैं, ऐसे घटा सकते हैं, एकदम भी नहीं समझ में आ रहा था। उसके स्कूल से मैम ने बताया, जब मैं फर्स्ट टाइम मैम से गया मिलने, तो उन्होंने बताया कि ये एक ब्रेन डेवलपमेंट का प्रोग्राम है और इससे बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल बहुत ही बढ़िया बढ़ जाता है। तो फिर मुझे उसमें थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा और फिर मैम से चीजें मैंने समझी और मैम ने मुझे बताया कि इसका एग्जाम होने वाला है और आपका बच्चा अगर इसमें एडमिशन फॉर्म फिलअप करता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैंने तुरंत उसको उसी समय फाइनलाइज किया और उसने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया गया और उसके थ्रू मुझे आज यहाँ आने का मौका मिल रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैं तो कभी PHU के बारे में, मैंने जब मैं बनारस का ही रहने वाला हूँ, मैंने सोचा था कि मैं PHU से पढ़ाई लिखाई करूंगा, लेकिन मैं नहीं कर पाया। तो मुझे इस बात का थोड़ा सा मन में फीलिंग तो रहता ही है, लेकिन आज उसके थ्रू मुझे PHU में बुलाया गया है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो थैंक्स ऋचा मैम को एंड थैंक्स अबेस्कर्स एंड अबेस, जिसकी वजह से मेरे चाइल्ड की वजह से मुझे यहाँ तक आना पड़ा। थैंक्स अलॉट, थैंक यू मैम। आप यहाँ के कैसा फील कर रहे हैं? आप आए अपनी चाइल्ड की वजह से ही आए, लेकिन आपको कैसा फील कर रहे हैं? प्राउड मोमेंट फील कर रहे हैं या नहीं? मैं इतना प्राउड फील कर रहा हूँ, मैं बता नहीं पाया, मैं अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं ये भी आपको नहीं बता सकता अभी। चलिए थैंक यू मैम, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप सभी ने देखा कि हमारे बीच से ही एक पापा कहते हैं, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, तो जी हाँ, आज इनको भी वैसे ही कुछ प्राउडी मोमेंट उनके पास भी है कि उनका बेटा सच में आज इतना नाम किया कि आज वो यहां तक आए। एक बार पापा जी के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अपने आए हुए सारे गेस्ट से कि प्लीज, काफी सारी सीट्स मुझे खाली दिख रही हैं और गेस्ट हमारे खड़े दिख रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी प्लीज आप सभी आपस में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कर लें, क्योंकि कहते ना कि जो एक दूसरे के साथ मिल करके जो चलने में मजा है, वो अकेले अकेले चलने में मजा नहीं है। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी एक साथ चले, एक दूसरे के साथ चले, जो जगह है उसे फिल कर लें आपस में ही और आगे की चेयर्स को फ्री करें ताकि बाकी गेस्ट भी हमारे बैठ सकें। इसी के साथ ही हमारे, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अपने गेस्ट से कि प्लीज ये प्रोजेक्टर ऊपर कर दिया जाए। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगी हमारे चीफ गेस्ट के बारे में,
सर ने पीएचडी की मैथ से, जी हाँ, जिसे हम बहुत टफ मानते हैं, काफी इजली वे में सर ने पीएचडी किया। आज वो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में लेक्चरर और लीडर रहे हैं। पी सोम सर, ये तो आपकी छोटी सी पहचान है और नो डाउट अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सर प्लीज आप हमारे बीच आएं और अपना जो भी अनुभव है वो हमारे बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, हम सभी के साथ शेयर करें। और कुछ बड़ों से बहुत कुछ कुछ भी सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो आज हम सभी आपसे कुछ कुछ सीखना चाहेंगे और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सर प्लीज हमारे बीच आकर के दो शब्द बोलें। हमारे भी शिवानी भी आई डेलिन स्कूल से, प्रिंसिपल मोहिनी स्कूल से, मैं उनका स्वागत करती हूँ। और भी टीचर्स हैं, सभी का मैं स्वागत करती हूँ। Privilege to be here with you all together. First of all, I thank the organizers who have invited me to be with you this morning. जो यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, आज इस ठंड में भी वो लोग आए हैं, उनके पेरेंट्स भी आए हैं, सबसे पहले उनके लिए एक जोरदार थाली हो जाए। ये जो एबेकस है या जो भी है, एजुकेशन सिस्टम का एक पार्ट बन गया है। इसके थ्रू हम अपने बच्चों में थोड़ा स्किल डेवलप करते हैं। एक नया स्किल है मैथमेटिक्स को टैकल करने का। छोटे बच्चों में जैसे एडिशन है, जोड़ है, घटाना है, गुणा है, भाग है, इन सबों को हम एक स्पेशल तरीके से सिखाते हैं, सिखाया जाता है और बच्चे बहुत इजीली उसको समझ सकते हैं। ये जो टेक्निक है, इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है और कंसंट्रेशन बढ़ने से बच्चों में वो टाइम देने का, मतलब उसमें लगे रहने का लगन बढ़ जाता है। जब वो लगन बढ़ जाता है, ऑटोमेटिक वो नया नया प्रॉब्लम कर सकता है और आगे भी उसका जो इस्तेमाल है हर एक जगह कर सकता है। अगर आप देखें तो आप हमारा जो जीवन शैली है, मैथमेटिक्स के बिना हम बच नहीं रह सकते। मैथमेटिक्स हमारे जीवन का एक पार्ट बना हुआ है। इसीलिए जो लोग थोड़ा कहते हैं कि मैथमेटिक्स से बड़ा डर लगता है, ऐसे डर की कोई बात नहीं। थोड़ा सा मेहनत चाहिए, थोड़ा सा लगन चाहिए, मैथमेटिक्स अपने आप सीख जाएगा बच्चा। थोड़ा ट्रेनिंग का जरूरत है और वो ट्रेनिंग हर एक स्कूल में उपलब्ध है। एंड ये एक नया तरीका है, इसका बहुत ही इस्तेमाल और यूज बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। Let me say few words in English. In our present system of education, most of us want all-round development in our child. Parents want their kids excel in studies as well as sports, games, other activities like dance.